हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारा अपर लिम का बोन क्लेविकल बोन के बारे में। ओके, सो क्लेविकल बोन की एनाटॉमी को जानने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके ऊपर बनाया है। सो यहाँ पर आई बटन पे जो लिंक दिख रहा होगा वहां से जाके आप देख सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्लेविकल बोन की एनाटॉमी। क्लेविकल बोन की एनाटॉमी को मेनली हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, साइड डिटरमिनेशन, इसकी पेक्युलरिटी एंड इसके बोनी फीचर्स। एंड जो सेकंड वीडियो रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर जो मसल अटैचमेंट होता है उसके बारे में। एंड थर्ड वीडियो में हम देखेंगे इसके ओसिफिकेशन एंड इसका जो क्लिनिकल एनाटॉमी है उसके बारे में देखने का ट्राई करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट दिया गया, क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन। क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड क्लोज टू द रूट ऑफ नेक। कहां पर प्रेजेंट होता है? तो हमारा ये जो चेस्ट होता है चेस्ट के फ्रंट में, आप यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली बोन बाल कट करके आप देख सकते हैं। सो ये हमारा क्लेविकल बोन है और क्लेविकल बोन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए जाते हैं। जैसे कि हिंदी में हम बोलेंगे सुंदरता की हड्डी, गुजराती में हम बोल सकते हैं आसड़ी नो अड़कू, एंड एनाटॉमिकल नेम में हम बोलेंगे क्लेविकल। सो क्लेविकल कहां पर प्रेजेंट होता है? तो हमारा जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट, हमारा चेस्ट के फ्रंट में एंड क्लोज टू द रूट ऑफ नेक, हमारा जो नेक होता है नेक के जस्ट रूट के क्लोज में। सो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली लॉन्ग बोन आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो ये है हमारा क्लेविकल बोन। ओके, एंड सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट में इसके जो फंक्शन होते हैं फंक्शन को दिखाया गया है। सो इट सपोर्ट द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। एंड थर्ड पॉइंट को देखें तो इट ट्रांसमिट द वेट ऑफ द अपर लिम टू द स्टर्नम। सो इसके ये काम क्या होते हैं? तो ये हमारा जो शोल्डर होता है शोल्डर को सपोर्ट करता है। सो हमारा ये जो आर्म होता है आर्म, हमारा जो ट्रंक होता है ट्रंक से क्लियरली अवे स्विंग कर सकता है। ओके, एंड इसका दूसरा फंक्शन यहाँ पर दिखाया है इट ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर लिम टू द स्टर्नम। क्या करता है? हमारा जो अपर लिम का ये पूरा वेट होता है उसको ट्रांसमिट करता है हमारा ये बीच में जो स्टर्नम प्रेजेंट होता है स्टर्नम के ऊपर। ओके, सो स्टर्नम में वेट आता है हमारा अपर लिम का किसके थ्रू आता है? तो क्लेविकल के थ्रू। ओके, सो ये दोनों हो गए इसके फंक्शन। एंड थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट में इसके जो क्लेविकल बोन को डिवाइड किया गया है इसके थ्री पार्ट में। फर्स्ट जो इसका जो बीच वाला कर्वेचर पार्ट होगा वो शाफ्ट होगा एंड दो इसके एंड हो गए, दो एंड में लेटरल एंड एंड मीडियल एंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका लेटरल एंड है और ये इसका मीडियल एंड। सो इसके दो एंड 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 जो दो एंड होते हैं दो एंड के बीच जो इसका कर्वेचर पार्ट होता है वो हमारा होता है शाफ्ट। ओके, सो ये क्लेविकल का शाफ्ट हो गया एंड ये दोनों इसके एंड हो गए। सो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखने का ट्राई करेंगे इसके साइड डिटरमिनेशन, क्लेविकल बोन का साइड डिटरमिनेशन। सो साइड डिटरमिनेशन क्यों करना जरूरी है? तो हमारे बॉडी में आप देखो तो दो क्लेविकल बोन प्रेजेंट है, एक हमारे राइट साइड में एक हमारे लेफ्ट साइड में। सो सपोज दैट हमारे हमारे पास कोई क्लेविकल बोन है तो क्लेविकल बोन कौन सी साइड का है तो इसको डिटरमिन करना इसके साइड डिटरमिनेशन में आता है। ओके, सो इसके साइड डिटरमिनेशन में फर्स्ट पॉइंट दिया गया लेटरल एंड इज अ फ्लैट एंड मीडियल एंड इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप यहां पर देख सकते हैं ये इसके जो लेटरल एंड होता है वो फ्लैट होता है, लेटरल एंड इज अ फ्लैट एंड मीडियल एंड इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप यहां पर जो देख सकते हैं ये इसका मीडियल एंड, सो मीडियल एंड इज अ क्वाड्रिलेटरल लेटरल एंड इट इज अ फ्लैट, लेटरल एंड इज अ फ्लैट। ओके, सो ये हो गया इसका मीडियल एंड लेटरल एंड। एंड इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डिफाइन करना हो तो इसके जो शाफ्ट होता है शाफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इसका मीडियल टू थर्ड, यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका मीडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड, शाफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये इसका वीकेस्ट पॉइंट से, इसको बोलेंगे वीकेस्ट पॉइंट। सो वीकेस्ट पॉइंट से जो मीडियल होगा वो मीडियल टू थर्ड शाफ्ट एंड लेटरल होगा वो लेटरल वन थर्ड शाफ्ट। सो लेटरल सो मीडियल टू थर्ड शाफ्ट की बात करें तो मीडियल टू थर्ड शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या होता है कॉन्वेक्स होता है। सो आप यहां पर देखो तो ये इसका सुपीरियर व्यू है, सो सुपीरियर व्यू में ये इसका होगा एंटेरियर सरफेस। आप यहां पर देखो तो ये इसका एंटेरियर सरफेस, सो एंटेरियर सरफेस क्या होगा कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होगा,
फॉर्मेट भी क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका एंटीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस सॉरी कॉन्वेक्स है, ओके। एंड जो लेटरल वन थर्ड शाफ्ट होगा वो क्या होगा, कॉनकेव फॉरवर्ड। लेटरल वन थर्ड शाफ्ट में आप यहाँ पर देखो तो ये इसका लेटरल वन थर्ड शाफ्ट, और लेटरल वन थर्ड शाफ्ट में इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होगा, यहाँ इसका एंटीरियर सरफेस है बट यहाँ पर इसका एंटीरियर बॉर्डर होगा, क्योंकि ये लेटरल जो वन थर्ड होता है वो प्लेटेड होता है। सो प्लेटेड होगा तो इसलिए इसका एंटीरियर बॉर्डर होगा। एंटीरियर बॉर्डर कैसा होगा, तो कॉनकेव होगा। एंटीरियर बॉर्डर इज ए कॉनकेव, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉनकेव दिख रहा होगा, ओके। एंड इसके लेटरल वन थर्ड के पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज ए कॉनवेक्स, ये कॉनवेक्स है और यहाँ से कॉनकेव है, और यहाँ पर जो पोस्टीरियर सरफेस होगा वो कॉनकेव होगा, कॉनकेव एंड इट इज ए कॉनवेक्स। एंटीरियर सरफेस होगा कॉनवेक्स, ओके। सो ये हो गया इसका एंटीरियर पोस्टीरियर। एंड इसके इंफीरियर एंड सुपीरियर को डिपेंड करता हो तो इसमें एक पॉइंट दिया गया है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड शाफ्ट हैज अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, इसको क्या बोलेंगे, तो सबक्लेवियन ग्रूव। इसके मीडियल टू थर्ड जो शाफ्ट होता है इसके इंफीरियर सरफेस में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलेंगे सबक्लेवियन ग्रूव। इसको क्या बोलेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं ये इसका सबक्लेवियन ग्रूव है, इसको हम बोलेंगे सबक्लेवियन ग्रूव, ओके। So, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो जो मीडियल टू थर्ड शाफ्ट होता है मीडियल टू थर्ड शाफ्ट के इंपीरियर सरफेस पे, और इंपीरियर सरफेस में भी इसके जो मीडियल टू थर्ड शाफ्ट होता है इसके लेटरल हाफ में। सो आप यहां पर देख सकोगे ये हमारा सबक्लेवियन ग्रूव। एंड एक अदर पॉइंट है इसको सुपीरियर इंपीरियर डिफाइन करने के लिए, आप यहाँ पर लेटरल वन थर्ड शाफ्ट में देखो तो ये इसका एक रिज देखने को मिलेगी और एक ट्यूबरकल देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे कॉनल ट्यूबरकल, एंड इसको हम बोलेंगे जो रिज होगी इसको हम बोलेंगे ट्रेपेजॉइड रिज। सो इसके लेटरल वन थर्ड जो शाफ्ट होता है इसमें इंफीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होगा, तो कॉनल ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज। सो इस तरह से इसको इंफीरियर सुपीरियर डिफाइन करें। सो ये हो गया इसका साइड डिटरमिनेशन। एंड गाइस अब हम बात करते हैं इसके पेक्युलैरिटी के बारे में। सो पेक्युलैरिटी का मीनिंग होता है इसके अंदर कौन से स्पेशलिटी प्रेजेंट है, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर सेवन पॉइंट दिए गए, सो सेवन पॉइंट में आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया, इट इज ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, हमारी बॉडी में एक ही ऐसा लॉन्ग बोन होता है जो हॉरिजॉन्टली पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक ही ऐसा लॉन्ग बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली होता है। एंड सेकंड पॉइंट में इट इज अ सबक्यूटेनियस थ्राउट, हम हमारे जो फिंगर होती है फिंगर से यहाँ पर फील कर सकते हैं, हमारी जो स्किन होती है स्किन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, सो इसको हम बोलेंगे इट इज अ सबक्यूटेनियस थ्राउट, ओके। एंड थर्ड पॉइंट इट इज अ फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, हमारी बॉडी में एक ऐसा बोन जो फर्स्ट ओसिफाइज होना स्टार्ट होता है, ये है हमारा क्लेविकल, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट में देखें तो इट इज ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन्स, ये हमारे बॉडी में एक ही ऐसा लॉन्ग बोन होता है जो मेम्ब्रेनस में इसका ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है, ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट इट इज ओनली लॉन्ग बोन विच हैज अ टू प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, हमारी बॉडी में एक ही ऐसा अकेला बोन जिसके अंदर टू प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं और वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये हमारे यहाँ पर इसके ओसिफिकेशन वाले पार्ट में हम देखेंगे कि इसका अंदर कौन से मतलब जो ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं वो सेकेंडरी एंड प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे, बट यहाँ पर इट इज ओनली लॉन्ग बोन विच हैज अ टू प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। एंड सिक्स पॉइंट इट हैज अ नो मेडुलरी कैविटी, इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती। एंड सेवन पॉइंट में देखें तो इट इज ओकेजनली पियर्सेड बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व, कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारी बॉडी में मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व होती है वो कभी कभी पियर्स करती है, ओके। सो ये ओकेजनली होता है, ओके। सो ये होगी हमारी जो क्लेविकल बोन होता है क्लेविकल बोन की पेक्युलरिटी, ओके।